कानोड के निकटवर्ती सारंगपुर कानोड ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसको परिजन एवं कानोड पुलिस सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली की लाइनों को नियमित रखरखाव नहीं किए जाने से मौत के तांडव का खतरा कई स्थानों पर बना हुआ है। शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से लोगों में रोष भी है। एएसआई शांतिलाल भट्ट ने बताया कि सारंगपुरा कानोड निवासी धापूबाई पत्नी घासी जाट सुबह 6:30 बजे उसके पति घासी जाट के साथ अपने खेत पर रजका काटने के लिए पहुंची, जहां पर 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा हुआ था, जिससे बिजली चालू होते ही धापूबाई को करंट लग गया और उसकी मौके पर ही खेत में रजके की क्यारी में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद विद्युत विभाग में फोन कर बिजली सप्लाई बंद करवाई गई। घटना की जानकारी पर मौके पर कानोड पुलिस, सरपंच उदयलाल जाट तथा सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए, जिसके बाद शव को कानोड सीएचसी ले जाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान बिजली विभाग के जेईएन अजय आसवानी भी सीएचसी कानोड पहुंचे तथा उसके बाद घटना स्थल पर भी पहुंचकर मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिजली की लाइनों का नियमित रखरखाव नहीं किए जाने से खेतों में झूल रहे तार मौत के परवाने बने हुए हैं। ग्रामीणों ने विभाग से लाइनों को सही करने की मांग की है। लाइन फॉल्ट होने से तार टूटकर खेत में गिर गया था, जिससे खेत में काम कर रही महिला की मौत हुई। मौके पर पहुंचे आसवानी ने मृतका को उचित मुआवजा दिलवाने के साथ वहाँ झूलते तारों की समस्या पर भी शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। शहर में इन दिनों एक के बाद एक कीर्तिमान बनाने की होड़ सी लगी हुई है। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को भी हुआ। उदयपुर शहर के 3